हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल की नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले ऋषभ पंत की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स टीम के बारे में, जो कि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले दो बिगेस्ट अपडेटों के बारे में जो कि दिल्ली कैपिटल्स टीम की तरफ से निकल के आ रही है। तो जानने के लिए इस वीडियो को हमेशा की तंतजुर्द खराबी दिल्ली कैपिटल्स टीम के फ़ैन हैं और आप भी चाहते कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम आईपीएल 2023 की ट्रॉफी जीत जाए, तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको दिल्ली कैपिटल टीम से जुड़ी हर अपडेट मिले सबसे पहले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं पहली बिगेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि दिल्ली कैपिटल्स टीम के शानदार बल्लेबाज डेविड वॉर्नर की तरफ से निकल के आ रही है। तो जैसे कि आप लोग जानते हो कि डेविड अभी से आईपीएल के मुकाबले खेलते हैं, जैसे कि आप लोग जानते हो कि पिछले कुछ समय से वो हमें और किसी टी20 लीग में नहीं खेलते हुए दिखे हैं, लेकिन जैसे कि आप लोग जानते हो कि अब ये भी कन्फर्म हो चुका है कि वो हमें बिग बैस लीग 2023 में कन्फर्म खेलते हुए दिखने वाले हैं, जिसमें हम आपको बता दें कि सिडनी थंडर की टीम ने उनको साइन कर लिया है ताकि वो उनके लिए 2 साल बिग बैस लीग में खेल सकें, जिसमें हम आपको बता दें कि डेविड ने हमेशा से आईपीएल और बिग बैस लीग में बहुत ही शानदार खेल दिखा है, जिसमें हम आपको बता दें कि उन्हें अब तक टी20 के इतिहास में 328 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 33 की औसत से लगभग 10,817 बनाए हैं, जिसके बाद से अब ये कन्फर्म हो चुका है कि वो हमें दुनिया की 2 बेस्ट लीग में अब कन्फर्म खेलते हुए दिखेंगे। दोस्तों वहीं बात के दूसरी बिगेस्ट अपडेट के बारे में, तो वो निकल करी दिल्ली कैपिटल्स टीम के शानदार बॉलर एंड्रिक नोकिया। तो जैसे कि आप लोग जानते हो कि अभी इस समय साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड की टीम के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है, जिसमें हम आपको बता दें कि पहले टेस्ट मैच में साउथ अफ्रीकन टीम ने इंग्लैंड की टीम को बहुत ही आसान तरीके से हरा दिया, जिसमें हम आपको बता दें कि हमें दिल्ली कैपिटल्स टीम के शानदार बॉलर एंड्रिक नोकिया की तरफ से बहुत ही शानदार बॉलिंग देखने को मिली है, जिसमें हम आपको कि एंड्रिक नोकिया ने इस मुकाबले में 6 विकेट लिए, जिसके चलते साउथ अफ्रीकन टीम ने इंग्लैंड की टीम को बहुत ही आसान तरीके से हरा दिया। इसी के साथ 3 मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 से बढ़त मना ली। दोस्तों इसी के साथ ही अब ये भी कंफर्म हो चुका है कि धीरे धीरे एंड्रिक नोकिया फॉर्म में लौट आ रहे हैं। हम तो ये चाहेंगे कि एंड्रिक नोकिया फॉर्म में लौट आएँ और वह आईपीएल 2023 में दिल्ली कैपिटल्स टीम के लिए शानदार बॉलिंग करें। तो दोस्तों अगर आपको हमारे पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं आपके मुताबिक आईपीएल 2023 की ट्रॉफी कौन सी टीम जीत सकती है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में।